बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके लिए नई डिश लेके आए हैं, ग्रीन चिल्ली चिकन कढ़ाई। चलते अपनी वीडियो की तरफ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 1.5 किलो चिकन है, 4 कटी हुई प्याज है, 20 ग्राम खोपरा है, 20 ग्राम बादाम है, 2 कटी हुई हरे धनिया की गड्डी है, 1 पाव तेल है, 1 पाव दही है, 1 गिलास दूध है, 1 चम्मच काली मिर्चों का पाउडर है, 1 चम्मच नमक है, 1/2 चम्मच गरम मसाला पाउडर है, 1 कली लहसुन की है और 35 हरी मिर्चें हैं। ये देखें, हम इसमें कढ़ाई रख ली, मैंने चूल्हा चालू कर लिया। अब सबसे पहले इसमें मैं थोड़ा सा तेल डालूंगी, ज़्यादा नहीं डालूंगी, इतना सा डाल ली मैं इसमें, है ना, खाली प्याज हल्की हल्की, है ना, नरम करने के लिए। ये देखें तेल गर्म हो चुका है, इसके अंदर सबसे पहले मैंने प्याज डाली है, प्याज है ना हल्की हल्की से इसको नरम करूँगी मैं, ये 5 मिनट लगेंगे प्याज नरम होने। हल्की हल्की सी प्याज गल चुकी है, मैं इसको निकाल लेंगी। इसको फिर मैं खोपरे के साथ बादाम के साथ ब्लेंडर करूँगी। ये देखें मैंने इसमें प्याज निकाली, इसको प्याज को खोपरे को बादाम को एक साथ पीसूँगी। अब मैं सबसे पहले इसके अंदर चिकन डालूँगी। ये देखें इतना तेल है, ये देखें सबसे पहले इसके अंदर मैं चिकन डाल रही हूँ। अब देखें मैंने इसके अंदर चिकन डाल दिया, इसको मैं अच्छी तरीके से 2 मिनट तक हिलाऊंगी, फिर इसमें मसाला डालूंगी। ये देखें 2 मिनट हो गए, अब इसके अंदर मसाले डालूंगी। ये मैंने हरी मिर्चें, अदरक, लहसुन ये सब मैंने पीस के रखा हुआ है, ये सबसे पहले इसके अंदर मैंने डाला। दही, काली मिर्चों का पाउडर, ये मैंने इसमें अभी तेल डाला। और ये देखें अब मैं इसमें नमक डाल लूँगी, 1 चम्मच जो रखा था, गरम मसाला बाद में डालूँगी। और ये देखें अच्छी तरीके से पहले इसकी मैं भुनाई करूँगी, भुनने के बाद इसमें 1 गिलास ये दूध रखा है, ये भी डाल लूँगी। और इसको 15 मिनट के लिए मैं पकने के लिए छोड़ दूँगी। आज मैं बना रही हूँ, ये देखें आज मैं बना रही हूँ ग्रीन चिल्ली चिकन कढ़ाई। अभी देखें मैं इस पर ढक्कन लगा रही हूँ 15 मिनट के लिए। देखें चिकन तैयार हो चुका है, मैं इसको 10 मिनट के लिए बंद कर रही हूँ। देखें 10 मिनट हो गए, अब मैं इसको बाउल में निकाल रही हूँ और चूल्हा मैंने बंद कर दिया। ये देखें मैंने बाउल में निकाल लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब देखें मैं इस पर हरी मिर्च डाल रही हूँ और हरा धनिया डाली है मैंने काट के रखा हुआ, ये देखें। ग्रीन चिल्ली चिकन कढ़ाई बनके तैयार हो चुकी है।